राधे राधे व्यूअर्स, आज मैं आपको ये सिंपल सा डिजाइन है, बहुत जल्दी पड़ने वाला ये डिजाइन है, बहुत सरल डिजाइन है, तो इसकी वीडियो बताऊंगी। तो ये डिजाइन इस तरीके से दिखता है, ये सामने की तरफ से है, फ्रंट है इसका और ये इसकी बैक साइड है। तो बैक साइड में ऐसा उल्टा उल्टा दिखता है और फ्रंट में इस तरीके से ये डिजाइन दिखता है। तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, बनाने में उतना ही आसान है। तो ये छः छः फंदों का डिज़ाइन है, ये चार फंदे उल्टे हैं, दो फंदे हमारे स्लिप किए हुए हैं, तो ये छः फंदों का डिज़ाइन है। छः फंदे छः फंदे छः फंदे करके ये पूरा डिज़ाइन बना हुआ है। तो आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, किसी में भी इसे डाल के आप बना सकते हैं। तो इसी के बारे में मैं आज बताऊँगी। तो हमने इसमें फंदे डाल लिए हैं, 14 फंदे डाले हैं और हमारी ये सीधी सिलाई है, 14 फंदे डाले हैं और इसमें सीधी सिलाई है। और सीधी सिलाई में पहला फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे ऐसे, और एक फंदा इसको भी स्लिप करेंगे ऐसे, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे उल्टे बुनेंगे ऐसे, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे, ऊन को पीछे किया और ये दो फंदे स्लिप करेंगे ऐसे, फिर ऊन अपनी तरफ और चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, और उनको पीछे करेंगे, चार फंदे उल्टे बन गए और ये दो, एक फंदा इसको स्लिप करेंगे और ये लास्ट वाला है इसको बुन लेंगे ऐसे। तो ये हमारी पहली सिलाई है और पहली सिलाई इस तरीके से बनाई जाएगी। एक फंदा हमने स्लिप किया यहाँ पे, फिर हमने इसको भी स्लिप कर लिया, चार फंदे उल्टे बुने, फिर दो फंदे स्लिप, चार फंदे उल्टे, दो फंदे स्लिप, उल्टी सिलाई है। और उल्टी सिलाई का ऐसे पहला फंदा उतारेंगे, इस फंदे को स्लिप किया था स्लिप करेंगे, फिर ऊन को पीछे करेंगे ऐसे, ऊन को अपनी साइड ही रखेंगे, ये चार फंदे उल्टे बनेंगे ऐसे, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे, दो फंदे स्लिप करेंगे, जो हमने स्लिप किए थे उन्हीं को स्लिप करेंगे ऐसे, एक दो, फिर चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, फिर इस फंदे को स्लिप करेंगे और इस वाले को बुन लेंगे। अब ये सीधी सिलाई है और सीधी सिलाई पर पहला फंदा स्लिप करेंगे, इस फंदे को स्लिप किया था स्लिप करेंगे, अब उनको अपनी तरफ करेंगे, चार फंदे उल्टे बनेंगे, जैसे पहली रो बनाई थी ऐसी इसकी दूसरी रो बनेगी। तो ये चार फंदे उल्टे, उनको पीछे करेंगे, ये दो फंदे स्लिप करेंगे, फिर उन अपनी तरफ, चार फंदे उल्टे, फिर उन पीछे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, इसको हम बुन लेंगे। तो ऐसे हमारी ये तीसरी सिलाई बन गई है, चौथी सिलाई है। चौथी सिलाई जैसे दूसरी सिलाई बनाई थी ऐसे ही चौथी सिलाई बनाई है। तो ऐसे फंदा स्लिप किया, इसको भी स्लिप करेंगे, फिर ये चार फंदे उल्टे बुनेंगे, उसके बाद जो स्लिप किए थे उनको स्लिप करेंगे दो फंदों को, फिर चार फंदे उल्टे, फिर एक फंदा इसको स्लिप करेंगे और इसको बुन लेंगे। तो ये हमारी चार सिलाई ऐसे बन गई हैं। अब हमारी पांचवी सिलाई है और इसको हम पूरा सीधा बुनेंगे, जो हमने स्लिप किए थे इसको भी हम सीधा बुनेंगे। तो ये सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। अब उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। हमारी उल्टी सिलाई बन गई है और सीधी सिलाई है, और सीधी सिलाई पे जो डिजाइन हमारे ये चार फंदे हैं वो इधर आएंगे और जो दो फंदे स्लिप किए थे वो इसके ऊपर आएंगे। तो पहला फंदा हम उतारेंगे और
एक दो, दो फंदे उल्टे बुनेंगे ऐसे, फिर ऊन पीछे करेंगे। अब ये दो फंदे स्लिप करेंगे, एक दो, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे, ऊन को पीछे किया, दो फंदे स्लिप, फिर ऊन अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे बुनेंगे ऐसे और लास्ट वाला फंदा सीधा बुन लेंगे इस तरीके से ऊन को पीछे करके। तो ये डिजाइन हमारा चेंज हो गया है, पहले यहाँ था अब इसके ऊपर आ गया। उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई को हम वैसे ही बुनेंगे जैसे नीचे की सिलाइयाँ बुनी थी हमने। तो इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और इसको उल्टा बुनेंगे। तो एक फंदा स्लिप कर लिया, दो फंदे हमने उल्टे बुने और ये दो फंदे स्लिप करेंगे, चार फंदे उल्टे बुनेंगे ऐसे, फिर दो फंदे स्लिप, चार फंदे उल्टे, ये तीन, दो फंदे उल्टे, लास्ट वाला उल्टा बुन लेंगे। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे ऐसे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, उनको पीछे करेंगे ऐसे, फिर दो फंदे ऐसे स्लिप करेंगे, उनको अपनी तरफ, चार फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे, दो फंदे स्लिप, ऊन अपनी तरफ, ये लास्ट में दो फंदे उल्टे, ऊन को पीछे किया, एक फंदा सीधा। तो ये डिजाइन हमारा इस तरीके से दिखने लगा है ऐसे। अब उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई को पहला फंदा उतारेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे ऐसे, फिर दो फंदे स्लिप करेंगे जो स्लिप किए हुए हैं, फिर चार फंदे उल्टे, फिर दो फंदे स्लिप, दो फंदे उल्टे बुनेंगे लास्ट में, और जो लास्ट वाला फंदा इसको भी उल्टा बुन लेंगे। तो ये डिज़ाइन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर दो सिलाइयाँ सीधी बुनी जाएंगी, तो ये सिलाई सीधी जाएगी पूरी, ये सारे फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे। तो ये सीधी सिलाई बन गई है और डिजाइन भी इस तरीके से ऐसे दिखने लगा है। फिर उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई भी बन गई है। तो ये डिजाइन हमारा ऐसे आठ सिलाइयों में बना है। तो आपको इतना डिजाइन आठ सिलाइयों में यहाँ तक बना। अब इसके ऊपर जैसे हमने यहाँ डिजाइन चेंज किया था, अब फिर ये जो चार फंदे उल्टे हैं इनके ऊपर दो फंदे स्लिप किए जाएंगे, बीच में ये चार फंदे उल्टे किए जाएंगे। तो ये डिजाइन जैसे यहाँ था इसके ऊपर ऐसे आएगा। तो जब इसे बार बार रिपीट करेंगे तो ये इस तरीके से ये डिजाइन बनेगा। तो इसके ऊपर से फिर यही आठ सिलाई रिपीट की जाएंगी तो ऐसा डिजाइन बनेगा। तो आपको डिजाइन कैसा लगा, मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।